वर्तमान क्षण में अपने काम के प्रति समर्पित रहना ही जागरूकता है। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के लाइव कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे। इस कार्यक्रम में आप अपने सवाल हमसे पूछते हैं। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव चलते हैं, हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आती हैं और हमें ज़रूरत होती है एक मार्गदर्शक की। हम चाहते हैं कि कोई दोस्त हो, कोई मार्गदर्शक हो जो हमें उस समस्या से निकाले, जो हमारी उस परेशानी को दूर करे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आपको वो मार्गदर्शक हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स के रूप में प्राप्त हो पाए। आप इस कार्यक्रम में अपने सवाल भी हमसे पूछते हैं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आप ध्यान के महत्व को भी जान पाते हैं, अध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना मैम। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं विदुषी मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आइए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, थर्ड आई पर वाइट लाइट के दिखने का क्या मतलब होता है? देखिए, ध्यान से जो हमें एनर्जी मिलती है, तो धीरे धीरे हमारे जो हम सब जानते हैं तीसरा नेत्र के नाम से, आज्ञा चक्र, इसे हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। तो जब हम ध्यान करते जाते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो हमारे को हमारे थर्ड आई यानी कि हमारे, हम इसे आज्ञा चक्र बोलें या सुदर्शन चक्र, ये हमारे दोनों बहुओं के बिल्कुल बीच में और नाक के, ये दोनों के बीच में इस पोर्शन में हमारे को एक वाइब्रेशन या लाइट का एहसास, यानी कि आपका तीसरा नेत्र खुलने की स्थिति या उसके थ्रू आपको जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जाएं मिलनी हैं, उसका समय आ गया है, आप उसकी तरफ अग्रसर होने शुरू हो गए हैं। तो आपको जैसे हमने अपने जीवन में देखा होगा कि छोटी छोटी इंट्यूशंस होती हैं, हमें आभास होता है कि कोई आने वाला है, कुछ होना है या यही चीज़ है जो मुझे करनी है। तो वो आभास क्या है? वह आपके इंट्यूशंस हैं। इंट्यूशन का अर्थ है कि आपका आज्ञा चक्र काम कर रहा है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें क्लैरिटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है कि आपकी इंट्यूशन, आपका आभास आपको क्या कहना चाह रहा है, तो आप उसे सही रूप में, सही प्रकार में कर पाते हैं। तो ये होना एक अनुभव है ध्यान का, जो बहुत ही अच्छी बात है। जी मैम, जैसे आपने बोला इंट्यूशन, कई लोगों को ध्यान से पहले से भी इंट्यूशन आते हैं, मतलब जो ध्यान नहीं करते हैं, तो उसका जब वो व्यक्ति ध्यान करने लगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ का? देखिए, अभी आपको आभास हो रहा है चीज़ों का, आपको ये पता भी चल रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ या मुझे कुछ चीज़, कई लोगों को ऐसा चीज़ें दिखती हैं, पहले से आभास भी हो जाता है, चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो स्वप्न में दिखें या वैसे भी उन्हें आंखें बंद करी तो दिखने लगी या खुली आंखों से भी, और वो चीज़ उन्हें अपने जीवन में घटना घटती भी नज़र आती है, तो उन्हें कई बार डर भी लगने लगता है। लेकिन ये आपकी एक ताकत है जिसका आप सही रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान करने से क्या है, आप उसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं कि अच्छा, आपको समझ में आता है, आप ध्यान करते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आपको समझ में आता है कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका, जिससे मुझे डरना नहीं है, जिसका मुझे सही रूप में उपयोग करना है, अपने ही जीवन के लिए नहीं, सामाजिक या हम कहें ब्रह्मांड के स्तर पर हम इसका सही रूप में उपयोग करेंगे तो सबके लिए भला होगा। तो आपको सही रास्ता मिलता है, अदरवाइज आपका कहीं कहीं अगर कुछ आपने अनहोनी देखी, या अनहोनी उनके टर्म्स में हम अनहोनी कहें, या तो हमारे जीवन की घटनाएं हैं जो होती रहती हैं, कुछ भी आपने ऐसा देखा और आपके जीवन में, तो आपको डर लगने लगेगा कि सबको पता चलेगा तो हर कोई मेरे को ही ब्लेम कर, तुमने ऐसा देखा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपकी ताकत है, क्योंकि ये ताकत आपको कहाँ से मिली? आपके पिछले जन्म से। आपने इस जन्म में भले ही अभी तक ध्यान नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में जो आपने ध्यान से ऊर्जा अर्जित करी है, उसकी एज अ गिफ्ट आपको इस लाइफ में मिलता है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे सुबह के टाइम सपने में ब्लैक पैंथर दिखाई दे रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसका क्या मतलब है? ये एक अनुभव है, आपको अलग अलग तरीके के, अगर हमें इसको और गहराई से समझना है तो आप इसके कई आयाम हैं, मैं कहूँगी। पहला स्तर, आप गूगल करिए, जो आजकल हम हर चीज़ में करते हैं,
ड्रीम्स में या हमें ध्यान में अगर पैंथर दिखता है तो वो क्या है, पैंथर की क्या क्या क्वालिटीज, और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों फॉर्म में हम उसको नोट डाउन करें और फिर उस ट्रेट्स को अपने अंदर देखें, क्या ये ट्रेट्स मेरे अंदर हैं, पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो, या मैं इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपको उसकी पॉजिटिव चीज़ें, उसके नेचर को अपने अंदर इम्बाइब करना है, जो आपके लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे रूप में ले जाकर आगे काम कर सकता है। तो अगर आपको ध्यान में बार बार किसी चीज़ का या स्वप्न में बार बार किसी चीज़ का अनुभव हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको पहले पेन डाउन करिए और फिर देखिए कि उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या वो आपके जीवन में या आपके स्वभाव में है या नहीं है। अगर वो है तो आप उसके लिए उस पर कार्य आगे कर सकते हैं कि आप उस स्वभाव को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखें। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न, मेरा छोटा बेबी है और मैं लास्ट 4 मंथ से मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन के बीच बेबी रोने लगता है तो आईज क्लोज में ही उसे गोद में लेकर मेडिटेशन करती हूँ, तो क्या ये मेरा मेडिटेशन ठीक है? बहुत अच्छा है, वो ध्यान कर रही हैं। एक तो एक हर पर्सन को ध्यान करना चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन जब एक माँ ध्यान करती है तो उसका इतना छोटा बच्चा जो है वो सीधा ऊर्जा लेता है अपनी माता से। तो जब वो ध्यान करती है वो उनसे कनेक्टेड है, तो जब ध्यान के समय उन्हें अपने, उनका बच्चा जब भी विचलित होता है और वो उसे गोदी में लेकर दो, तो आपके साथ साथ उसकी आत्मा भी आपसे जुड़कर ध्यान के उसमें लीन हो जाती है, उस ऊर्जा का अनुभव करती है। वो एक प्योर फॉर्म है, वो अभी सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल प्योरिटी से, ध्यान से ही जुड़ी है। अगर हम बच्चों की स्थिति देखें तो जब वो छोटे होते हैं तो वो हर वक्त एक ध्यान की स्थिति में रहते हैं, सोते रहते हैं, हम कहते हैं अरे उठ तो जाएं, लेकिन इतना छोटा बेबी हमेशा सोता ही रहता है। एक्चुअली वो ध्यान की स्थिति में, उसे अपना पास्ट पूरा नज़र आ रहा होता है। वो कभी मुस्कुराता है सोते हुए, कभी उसके चेहरे पे हमें उदासी दिखती है, कभी चिंताओं की लकीरें दिखती हैं। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, उस वो अपने जीवन का रिव्यू कर रहा होता है इस जीवन में, क्योंकि उसे मालूम है इस रिव्यू के बाद वो इस जीवन को आगे चलाएगा। तो जब आप अपने बच्चे के साथ ध्यान करते हैं इस तरीके से, अगर इतना छोटा बच्चा आप उसे गोदी में लेके ध्यान करते हैं, तो ज़रूर ही वो भी अध्यात्म से जुड़ रहा है, आप उसे जोड़ भी रहे हैं, और आपका और उसका एक ऐसा अटूट एक और रिश्ता, एक आध्यात्मिक रिश्ता बनता है, जिससे आप धीरे धीरे आगे जब बढ़ाते हैं तो वो अलग ही तरीके से उसका निखार निकल कर आता है, और वो आपकी हर बात को, हर आध्यात्मिक बात को सीखना और समझना शुरू करता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है। जी मैम, मैम दर्शक भी जुड़ चुके हैं आज के पहले हमारे साथ, तो आइए बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ मैम, नमस्ते, सीमा पाठक। पाठक जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कलकत्ता से। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, जैसे ध्यान ध्यान जैसे ध्यान वान करते हैं तो उसमें बहुत मन नहीं लगता और मन बहुत उथल पुथल रहता है, तो कैसे क्या करें कि जिसे अच्छे से ध्यान वान लगे, और कौन सा ध्यान करना उचित है? वो सांसों का ध्यान जो है वो तो करते हैं लेकिन लग नहीं पाता जी मैम, क्योंकि अभ्यास नहीं है हमें। सबसे बड़ी बात है कि हमें अभ्यास नहीं होता। देखिए, ये निरंतर प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा समय उसमें लगाएंगे उतना धीरे धीरे आप पक्के होते जाएंगे। अब हर बिल्कुल मैम, आप इसको बस करते रहिए, आप जितनी बार कर सकें दिन में। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन कम कितनी देर बैठना मने एक आपकी जितनी उम्र है उतना तो हमें बैठना ही चाहिए, लेकिन 1 घंटा मैं कहूँगी ज़रूर डेली 1 घंटा तो निरंतर करना ही चाहिए, तभी आपको कुछ जो परिवर्तन है। होता क्या है कि कुछ टाइम तो हमें आदत नहीं होती ना अपने विचारों से दूर रहने की, बिना सोचे रहने की, बिना कुछ करे ऐसे रहने की, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हर चीज़ शांत हो जाती है, और वो शांति हमें विचलित करती है कि ये इतना शांत कैसे हो सकता है कि हमें हर चीज़ सुनाई दे रही है, हर चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि हम खुद से जुड़ने लगते हैं। तो लेकिन इसका जब हम जितना अभ्यास करते हैं तो हम उतनी गहराई में जाते हैं, और जितनी आप गहराई में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप जुड़ने लगेंगे खुद से, आपके हर सवाल का जवाब आपके भीतर ही होगा। तो आप बार 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 निरंतर करते रहिए, और इंटरवल्स में करना और शुरू कर दीजिए। आप अगर 1 घंटे ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं तो आप इंटरवल्स में और शुरू कर दीजिए,
10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम आपको मिले कि 10 मिनट चलो बैठ जाते हैं, 2 घंटे हो गए, फिर आप 15 मिनट और बैठ गए 1 घंटे बाद। तो जब आप ऐसे 10 मिनट 15 मिनट करके बैठते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका जो ये विचलित मन विचलित होता है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा ध्यान में। जी तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। आप ध्यान जैसे कर रही हैं वैसे ही आप निरंतर ध्यान करते रहें, धीरे धीरे जो मैम ने बताया कि धीरे धीरे जो आपके विचार हैं वो कम होने लगेंगे और आपका मन जो विचलित हो रहा है वो भी धीरे धीरे से शांत होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी, मैं बताइए, बबीता जायसवाल। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उड़ीसा संबलपुर। पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम हमारे घर में प्रॉब्लम हो गया है। हाँ जी। और मन बहुत विचलित है। जी बबीता जी, जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? मेरा लड़का एक्सीडेंट में चला गया और तब से हम लोग पूरा डरे हुए हैं। डर सकता है दूसरा लड़का, मैं शादी से नहीं करूंगा बोलता है। हमारे घर में यही बचा और हमारे घर के पास में एक आम का पेड़ है, उसमें लड़के के उल्लू आके रोता है। उसके पापा का यूरिन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा, उनको पिशाब ही नहीं होता। तो हम लोग और लड़का मरने से पहले मैं घर तोड़वा दिया है, बनाऊंगा बोल के लोन लाया, घर बनाऊंगा और फिर चला गया। सारा पैसा उसके बीमारी में गया। अक्षर सब क्या है घर में, बहुत परेशान। आप ध्यान कर रहे हैं? कभी किया आपने ध्यान? जी ध्यान कर रहे हैं आप बबीता जी? ध्यान से जुड़े हैं आप बबीता जी? अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप सबसे पहले ध्यान करना शुरू करिए और जो भी आपके जीवन में घटनाएं हुई, जो भी उतार चढ़ाव इस वक्त आपके जीवन में आ रहे हैं, आप जितना ध्यान करेंगे उतना थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि जीवन के हर पड़ाव में कुछ सीख होती है। ये सीख बहुत गहरी और बहुत बड़ी होती है, कई बार बहुत मुश्किल होता है जानना कारण, लेकिन हर आत्मा अपने प्लान को डिसाइड करके आता है कि उसे कितना जीवन जीना है, क्यों जीना है, किस लिए जीना है। अगर इन सवालों को हमें जानना है तो उसके लिए हमें ध्यान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में अगर तकलीफ आई है तो इसका निदान भी ज़रूर आपके जीवन में होगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ध्यान में बैठेंगे। आप ध्यान में बैठिए, आपका मन अगर विचलित होता है, आपको बार बार याद आती है अपने बच्चे की, तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका समस्त परिवार आपके साथ ध्यान कर रहा है, वो बच्चा भी आपके साथ ध्यान कर रहा है, आपका बेटा। जब आप इस चीज़ को महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो आपके करीब होकर आपके साथ ध्यान से जुड़ रहा है और धीरे धीरे आपके अंदर की बेचैनी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और आपसे एक सलाह दूंगी कि आप पीएमसी हिंदी में एक प्लेलिस्ट है मृत्यु, आप उसको सुनिए तो आपको समझ में आएगा हर चीज़ के पीछे क्या कारण होता है। थैंक यू जी। बबीता जी, जैसे कि मैम ने बताया आपको कि हर सिचुएशन हमारे जीवन में जो आती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है, हर परिस्थिति से हमें क्या सीख लेनी है ये आप ध्यान के माध्यम से जान पाएंगे। आप ध्यान करना शुरू कीजिए, आप स्वाध्याय कीजिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर, जैसा मैम ने बताया मृत्यु नाम से एक कार्यक्रम है, आप जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप वो कार्यक्रम को देखिए। आप जब दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे कि उनके जीवन में भी जब ऐसा पड़ाव आया तो वो कैसे ओवरकम किया उन्होंने, जब आप ये जानेंगे तो शायद आपको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन ध्यान आप शुरू कीजिए और ध्यान की विधि भी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हितेश, अमितेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शिमला, हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में जानना चाहता था।
करना चाहता हूँ थर्ड आई मेडिटेशन। जी सर, आप कोई ध्यान करते हैं अभी? हाँ जी मैम, कभी कभी ओकेजनली करता हूँ मैम। कौन सा ध्यान करते हैं, या आनापानासति ध्यान करते हैं या कोई और विधि से करते हैं? थर्ड आई मैम, थर्ड आई। थर्ड आई, ठीक है सर। आप देखिए, थर्ड आई क्या है? ये एक स्थिति है। सबसे पहले हमें ये जानना है, थर्ड आई एक स्थिति है। थर्ड आई मेडिटेशन नहीं होता। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये जागृत कैसे होगी, इसका अनुभव कब होगा? जब आप ध्यान में सही रूप में जुड़ेंगे। तो मैं आपसे कहूँगी, आप आनापानासति ध्यान करिए। आनापानासति, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि आनापानासति ध्यान क्या होता है। इसमें आपको अपने आती और जाती हुई सांसों को, यानी कि जब आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस क्रिया को आपको देखना है। कैसे? अपने आँखों को बंद करके, उंगलियों में उंगलियां डाल के और पैरों को क्रॉस करके आप बैठिए। किसी भी एक स्थान पर कहीं भी बैठ सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठना है। आप किसी भी स्थान पर बैठकर, जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी इस सांसों की इस क्रिया पे लगाएंगे, तो आप उस ऊर्जा से जुड़ेंगे, जो ऊर्जा आपको थर्ड आई मेडिटेशन, जिसे आप समझ रहे हैं, उस स्थिति पर लेके जाएगी। यानी कि उस अनुभव को आप अनुभव कर पाएंगे जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, जब आप ध्यान से जुड़ेंगे। और इसे आपको कॉन्टिन्यूस करना है। ये कभी कभी करने से ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, आपको ये निरंतर करना होगा। अगर हमें किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए उसे प्रैक्टिस तो करेंगे ना, तभी तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि उसमें होता क्या है, कैसे होता है। बिना एक्सपेरिमेंट करे हम कैसे जान पाएंगे कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है? तो अगर आपको उसको समझना है, तो पहले प्रैक्टिस करिए अपने ऊपर इसको। आप 40 डेज चैलेंज लीजिए कि मैं 40 डेज रेगुलर 2 घंटे, अगर आपको थर्ड आई का एक्सपीरियंस है, तो 2 घंटे तो मिनिमम आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। 40 डेज बाद आप इसको धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप उस स्थिति को छू पा रहे हैं और आपको अनुभव हो रहा है। तो आप आनापानासति ध्यान करना शुरू करिए और अपने आप से, किसी और से नहीं, खुद से चैलेंज लीजिए कि मैं 40 डेज बिना किसी कारण मैं रेगुलर करूँगा 2 घंटे। तो आपको समझ में आएगा कि थर्ड आई मेडिटेशन कुछ और नहीं, वो यही है। और इसका अनुभव आपको बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से आपके जीवन में आएगा। थैंक यू सर। जी अमितेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। ध्यान की विधि मैम ने यहाँ पे आपको बताई है कि कैसे आपको ध्यान करना है, और साथ ही 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लेने के लिए मैम ने आपको यहाँ पे बताया है। तो 40 दिन का संकल्प लेके आप ध्यान करें, और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, इससे पहले जो कॉल आई थी उसमें उन्होंने मृत्यु की बात करी, तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लोग सुसाइड करते हैं, या जिन लोगों की मृत्यु क्राइम में, मतलब किसी कोई मर्डर कर देता है, ऐसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये भी सोल का प्लान होता है? बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, सोल का प्लान तो बहुत सारा होता है। जैसे हम कोई डील करने जाते हैं, तो हम ये लेके चलते हैं कि अगर ये मेरी डील क्रैक नहीं हुई, तो मैं ऑप्शंस लेके चलती हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने और भी चीज़ें रिसर्च करी हुई होती हैं, तो मैं दूसरे पे शिफ्ट हो जाती हूँ। तो यानी कि हम ए बी सी डी करके प्लान लेके चलते हैं अपने। ठीक उसी तरीके से कोई भी आत्मा इस जीवन में आती है, तो वो कुछ सीखने के लिए आती है और आगे प्रगति करने के लिए आती है। इसे हम कहते हैं एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। अगर वो निरंतर हर आत्मा एक्सपीरियंस करती है, ये हमें जानना है कि अगर आपने इस जीवन में आप आए हैं, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। यानी कि बचना क्या है, आप बचने वाली स्थिति है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे बचने के, आप इस जीवन में आए हैं तो आप अनुभव करेंगे ही। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो आपको आपको आगे एक्सपीरियंस आपका आगे आपको प्रगति की तरफ ही ले जा रहा है। आपकी आत्मा इतनी जागरूक होती है कि वो आपको इस जन्म से, जब दूसरे जन्म में जाती है, तो वो आपको समझाती है कि क्या करना है, अब जो गलतियाँ मैंने करी उसको करेक्शन कैसे करनी है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोग्रेशन क्या है। अगर किसी ने सुसाइड किया है, तो जब वो साधना कर, वो इस बॉडी को छोड़ के जाते हैं, तो उसे समझ में आता है मैंने क्या गलती करी। अगर मैंने इस सिचुएशन में ये ना किया होता और ऐसे किया होता, तो आज सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। तो वो
आत्मा अपने आप से निर्णय लेती है कि अगली बार अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन आई तो मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी। भावना आएगी लेकिन कदम नहीं उठाए। बहुत बार हमने देखा होगा हमारे अंदर मन गुस्सा आता है, मन करता है, हम अपने आप अपने इस जीवन का फायदा ही क्या है, जीवन को खत्म कर देते हैं, लेकिन हम करते ऐसा नहीं है। वो डर नहीं होता, वो आपकी आत्मा का ज्ञान होता है जो उसने पिछले जन्म में लिया होता है, तो वो इस जन्म में वो गलती दोहराता नहीं है, वो अब आगे बढ़ता है, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर उस स्थिति से अपने आप को बाहर लेकर आता है। तो ये हमारे सोल का प्लान होता है, इसको हमें धीरे धीरे करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। इसीलिए हम अगर इसी जीवन में जो हमारा है उसमें हम ध्यान करें और स्वाध्याय करें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर आने वाली ऐसी कोई भी फीलिंग या कोई भी परिस्थिति आप उसको बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। रूबी। रूबी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तिरसा हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल रूबी जी। मैम मैंने अभी 2 दिन से हेलो जी मैंने 2 दिन से अभी ध्यान लगाना स्टार्ट किया है जी। तो मैम ध्यान स्टार्टिंग में कैसे करना चाहिए जी? ध्यान की मैम वही विधि है, आनापानासती ध्यान ही करते हैं आप। मैम ये आना पाना ध्यान तो मैंने कभी ये सर्च भी नहीं किया यूट्यूब पे अभी तक तो। अच्छा, बस मैंने इतना ही देखा था, ध्यान भी ध्यान करना चाहिए जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सके। ठीक है, तो आप मैम सबसे पहले आज पीएमसी हिंदी, आज आप ये सुन रहे हैं, इसके बाद पीएमसी हिंदी को देखिएगा, उसमें ध्यान कैसे करना है शुरुआती स्थिति में वो आप ध्यान से उसकी विधि देखिएगा। दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ, दोबारा से आप उस विधि को देखिएगा। देखिए इसकी विधि बहुत सरल है, आपको अपनी आंखों को बंद करना है, उंगलियों में उंगलियां डालनी है और पैरों को क्रॉस करना है। आप ऐसे चेयर पे बैठ के, सोफे पे, बेड पर, फ्लोर पर, कहीं भी बैठ के आसन लगाकर कहीं भी बैठ सकते हैं। बहुत आरामदायक स्थिति में बैठना है और अपने आती और जाती हुई सांसों की प्रक्रिया को देखना है आंखें बंद करके। देखना है, ये तो आप कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है, आपको देखना है। ये ध्यान की विधि होती है आनापानासती ध्यान। ये बुद्धा का ध्यान है, जो बुद्ध जब सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ ने जब इस ध्यान को किया तो वो बुद्ध की स्थिति में पहुंचे। तो इस ध्यान को आपको करना है, आपको उस ज्ञान को पाना है। जब आप ये ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के अलग अलग तरीके से अनुभव होते हैं, तो आप उस अनुभव को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप ये ध्यान को समझिए, बहुत सारे हमारे म्यूज़िक हैं उस पर, चैनल पर ही आप उस म्यूज़िक को लगाकर आपको शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट, वैसे हमारा जितना उम्र होती है उतने मिनट ध्यान हमें रोज़ करना चाहिए, लेकिन हम जितना ज़्यादा करते हैं उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति और होती है और हमारे जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो अनुभव आपका अपना होगा, आप ध्यान करिए आपको समझ में आएगा। तो आप आज से आनापानासती ध्यान करना शुरू करिए, आप उसमें डालेंगे पीएमसी हिंदी आनापानासती ध्यान तो आपको ज़रूर आपको इसके बारे में समझ में आएगा और अच्छे से, और आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये हमने ऐसा क्यों कहा। जी तो दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आज हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हमारे 4 YouTube चैनल्स हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही प्राप्त होगा। हमारे हर YouTube चैनल पर हम जो वीडियो डालते हैं, जो कार्यक्रम डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि हो पाए, आप ध्यान के महत्व को समझ पाए। तो आज ही हमारे चारों YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल्स पर आपको म्यूज़िक मेडिटेशन की वीडियोज़ मिलेंगी, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ मिलेंगी, स्वाध्याय की बहुत सारी सीरीज़ मिलेंगी। जैसे अभी हमने कार्यक्रम में आपको बताया था मृत्यु पर एक पूरा एपिसोड, मतलब पूरा कार्यक्रम हमने बनाया, और जल्द ही मृत्यु सीज़न टू भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लेकिन मृत्यु का जो ये कार्यक्रम है आप इसे ज़रूर देखिएगा,
बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो आप उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से भी आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आप सीख पाते हैं कि जो चैलेंजेस उनके लाइफ में आए, उन्होंने कैसे ध्यान के माध्यम से उन्हें ओवरकम किया, तो वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान से जुड़ना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान के माध्यम से ही आप स्वयं को भी जान पाएंगे और स्वयं ही अपने जीवन में चलने वाली तमाम समस्याओं को, तमाम परेशानियों को दूर कर पाएंगे। ध्यान के साथ साथ आप स्वाध्याय भी करें और जो भी अलग अलग प्रिंसिपल PSSM में आपको बताए गए हैं उन्हें भी अपने जीवन में शामिल करें। जी मैम, कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मैं तो अभी जुड़ी थी आपसे, बताया था मैंने, रूबी नाम है। जी रूबी जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको शायद प्राप्त हो गया होगा। जी शायद मैम नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया, बट प्रश्न का उत्तर तो हमने दे ही दिया था। तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, क्या मैं प्रेगनेंसी में मेडिटेशन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक नए जीवन को लेकर आ रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप डायरेक्ट अपने उस बच्चे से जो इस जीवन में आप लेकर आ रहे हैं, जो आप एक माध्यम है, पहली बात तो हम लेकर आना, हम एक माध्यम है जो आत्मा हमें चूज़ करती है, वो बच्चा हमें चूज़ करता है कि हम, ये मेरे पेरेंट हैं, इनके थ्रू मुझे यहाँ आना है। हर आत्मा अपना चयन खुद करती है, अपनी परिस्थिति को चयन खुद करती है। तो जब माँ ध्यान करती है उस स्थिति में, तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे के लिए समझ पाती है कि मुझे क्या, आपकी इतनी अच्छी स्थिति हो जाती है कि आप हर चीज़, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, आप उस हिसाब से कार्य करने लगते हैं। हर आत्मा जीवन में सब कुछ सरल चाहती है, कुछ भी ऐसा नहीं चाहती कि जिससे किसी और को हानि पहुंचे। यानी कि हम कई बार जाने अनजाने शाकाहार सेवन नहीं करते जब हम प्रेगनेंसी में, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा ही बच्चा हमें ये चीज़ अंदर से फीलिंग देने लगता है। कई बार होता है कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन ध्यान नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप छोड़ देते हैं। उसका कारण है कि आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी उस आत्मा से हो रहा है जो आपके जीवन में आ रही है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो वो क्लैरिटी और वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है कि अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरे आपको एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए, वो आपका बच्चा आपको बता रहा है। क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर, अभी वो शरीर के स्तर पर आया ही नहीं, वो आत्मा के स्तर पर है, तो वो आत्मा के स्तर पर आपको बहुत अच्छे से समझाता है और आगे बढ़ाता है, और आप अपनी मदरहुड को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाते हैं। क्योंकि जो आप कनेक्शन फील करते हैं, हम उसको बाहरी रूप से, लेकिन जो अंदर परिवर्तन हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, आपकी कौन सी बात, कौन सा सिचुएशन उसे अच्छी लग रही, कौन सा एनवायरनमेंट उसे चाहिए, आप हर चीज़ को उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप प्लान भी कर रहे हैं, और अगर आप प्लान नहीं भी कर रहे हैं, तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इस जीवन में एक नए जीवन को लेकर आना होता है, तो हम उसकी उन्नति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग ध्यान करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, उनके बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी विजडम ऑलरेडी बहुत शार्प होती है, उन्हें कोई चीज़ सिखानी एक चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ों को समझते हैं ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। वह आप एक शब्द बोलते हैं, वो उसका एक्सप्लेनेशन वो खुद दे देते हैं, तो इतनी क्लैरिटी होती है। हमने देखा है कि वो बच्चे मोबाइल्स वगैरह कम यूज़ करते हैं, जिनके पेरेंट ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनके बच्चे आप देखेंगे वो क्रिएटिव। अगर आप मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं ना, आपने उसे हटा दिया और उसे कहा कि आपको जो भी करना है आप कुछ, आप देखेंगे वो कुछ एक नई रचना निकाल के लेकर आते हैं। तो ये क्रिएटिविटी ध्यान की वजह से, कि जब मदर ध्यान कर रही होती है या वो पहले से भी ध्यान कर रही होती है, तो वो उसके अंदर एक नया नव जीवन, क्योंकि हम सबको पता चलने लगता है जब हम ध्यान करते हैं कि वी आर अ क्रिएटर्स, तो वो भी तो एक क्रिएटर है,
तो वो हमेशा एक नई रचना के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी। मैम अभी आपने जैसे बोला कि जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो वो नॉन वेज का सेवन करती है, और डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चे की प्रोटीन के लिए आप सेवन करिए, और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी नहीं, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो तो डॉक्टर वहाँ पर आता है, वहाँ पर सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट आता है तो उसमें एग्स होते हैं, तो उस टाइम पर कैसे डील करें इस सिचुएशन से? मतलब अगर नहीं लेंगे तो डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं कभी कभी कि आप अपना ट्रीटमेंट फिर खुद ही कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, तो क्या करें मैम इस सिचुएशन में? देखिए वो उनकी मेडिकल साइंस में यही चीज़ है, वो अपनी जगह शायद सही होंगे, लेकिन अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो अगर हमें कहीं कुछ लगता है तो हमें क्या होता है? दर्द होता है। तो क्या हम जिस जीवन को ले रहे हैं ख़त्म करके एक स्वाद के लिए, तो कैसी फीलिंग होगी? हमने जब सुनते हैं कि अरे वो मार के खा लेता है, यानी कि हम अगर शेर को कहें कि अरे वो तो मैन ईटर बन गया, तो क्या हमें एक अच्छी फीलिंग आती है? अरे शेर मैन ईटर बन गया, गांव में घुस गया या शहरों में घुस गया, मार दिया, नहीं। अच्छा तो हम क्या बन रहे हैं? हम एक एनिमल ईटर बन रहे हैं। तो अगर एनिमल का आदमी का खाना अच्छा नहीं है तो एक आदमी का एक एनिमल को खाना कैसे अच्छा हो सकता है? मतलब हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई हम कैसे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए? ऐसे तो उसका भी पेट भर रहा है भाई, खाने दो, ये तो जस्टिफिकेशन का कोई सोच नहीं है ना। वो गलत है तो ये भी गलत है। वो अगर अपने विशेष साइकिल में, उसकी साइकिल में, उसकी फूड चेन में मैन कहीं नहीं है खाने में, तो हमारी फूड चेन में भी एनिमल कहीं नहीं है खाने में। अगर ऐसा होता तो हम शुरू से ऐसा ही होते, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम जो देखते हैं वो हम पिक्चराइजेशन देखते हैं। आप उस रियलिटी तक पहुंचना है तो हम ध्यान करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे एंशियंट टाइम्स में कैसे होता था, फिर क्यों हमने एग्रीकल्चर और हमने वो सिविलाइजेशन शुरू करी। हम तो एनिमल्स तो बहुत थे। सिविलाइजेशन कब शुरू हुई? जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ। तो एग्रीकल्चर शुरू होने पर ही सिविलाइजेशन क्यों कही गई? अगर हम इस चीज़ों को गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे पुरातन यानी हमारे एंशियंट हिस्ट्री में भी ये चीज़ मेंशन है। उसमें भी समझाई जाती है कि सिविलाइजेशन का बिगनिंग ही तब है जब सोसाइटी बनी, नदी के किनारे रिवर्स के पास बनी, जब एग्रीकल्चर हुआ। कभी वो उससे पहले सिविलाइजेशंस को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली। दैट मींस कि कभी भी नॉनवेज को हमारे एंशियंट टाइम में भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। आज हम जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं क्या वो प्योरली वही चीज़ है? सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर हम उसे गहराई में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका आधार कभी पुरातन काल से कभी था ही नहीं, तो वो जस्टिफाइड है ही नहीं। सृष्टि की हर एक चीज़ समान है, हमने हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास ज़्यादा शक्ति है, हम बोल सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल जी। अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, और कोई हमें खाएगा तो उसे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे, लेकिन उसके साथ जो ऊर्जा जा रही है दर्द की, अभी आपने इससे पहले पूछा कि किसी के साथ कोई हादसा होता है या कोई सुसाइड करता है तो हमें ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही ना। अभी उससे पहले जो कॉल आया वो कितने पेन में थी, तो किसी का जाना एक पेन ही है उस पर्सन के लिए भी, और क्योंकि हमें इस अर्थ प्लेन से बहुत प्रेम हो जाता है जब हम इस धरती पर आते हैं, शरीर से प्रेम होता है, लेकिन ध्यान करते हैं तो हम इस स्थिति से ऊपर उठते हैं। इसीलिए ध्यान करना जो ना कि हम खुद को जानकर हम इस स्थिति से ऊपर उठ पाएँ, वरना हम इसी स्थिति में घूमते रहेंगे और हमें हर जो हम काम कर रहे हैं वही सही लगेगा। क्या एक्चुअल में सही है उसको जानना है तो ध्यान हमें करना ही पड़ेगा, और तभी समझ में आएगा कि शाकाहार लेना हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं। अगर हम अपने स्ट्रक्चर को भी देखें ना, तो हमारे नखून ऐसे हैं, अगर हाँ कोई नखून बहुत बड़े बड़े करता है तो कैसा लगता है कि जानवर जैसे नखून करे। हम कभी नहीं कहते ना वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, एक लेवल तक एक डेली लाइफ में आपको एक नॉर्मली अच्छे लगते हैं, वो फिर वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होते हैं। तो हर चीज़ प्रकृति में एक नियम के हिसाब से, अगर हम उस नियम से, तो नियम में होने वाली हर चीज़ खूबसूरत होती है, अदरवाइज़ वो आपको डिस्कम्फर्ट देने लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उस वातावरण में ज़्यादा देर रह नहीं पाएंगे। शायद ये आधी समस्याओं का जो रीज़न है वो यही है, जो आजकल डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, शायद हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो आधी समस्याओं का रीज़न यही है। बिल्कुल, हम शहर में रह के भी प्रकृति के पास रह सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी वाइब्स चेंज करनी होगी। हम घर से बाहर निकलने से पहले ही अपने अंदर स्ट्रेस की क्रिएशन कर लेते हैं, अरे
दस बजे निकलना था, 10:30 बज गए, अब तो ट्रैफिक मिलेगा. आपने पहले ही क्रिएशन कर लिया ट्रैफिक मिलना ही मिलना है. थॉट्स, वाइब्स. आप घर से इरिटेट होके निकले, रास्ते में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ कि आपको गुस्सा आएगा. तो अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अरे मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो जैसा मैं हूँ वैसे मुझे वापस भी मिल रहा है चीज़. ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ है. जैसा आप देंगे वो 10 times होके आपके पास आएगा. वो 2 times होके भी नहीं आता, वो 10 times होके आता है. तो आपको लगता है अरे मैंने तो बस एक बात बोली थी, मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें. क्यों? क्योंकि आप जैसा देंगे वैसा ही तो पाएंगे. ध्यान से हमें देने का सही रूप समझ में आता है. आप जिस रूप से अब हम डोनेट भी कर रहे हैं तो हमारी उस डोनेशन के साथ भावना क्या है, उसी रूप में हमें चीज़ें वापस मिलेंगी. हमने ये तो समझ लिया कि जैसा हम देते हैं उसका 10 times होके आता है. तो आप पहले ही सोच रहे हैं चलो मैं 100 rupees दे रही हूँ, 10 times होके 1000 को मिलेगा. आजकल दान तो सब इसी भाव के साथ ही करते हैं. तो जब ये भाव छोड़ के सिर्फ एक सरेंडर फॉर्म में करते हैं तो यूनिवर्स सरेंडर होके आपको देता है चीज़. हम अच्छा काम भी करते हैं, कुछ कर्म भी करते हैं, तो यही सोचते हैं कि कर्म में भी बुरा अच्छा लेकर आते हैं कि ये करेंगे तो हाँ हमारे साथ बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा. निस्वार्थ भाव, जब हम निस्वार्थ भाव से बस आप सेवा करिए. सेवा का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपको कुछ भी कह रहा है तो ओके है, उसको समझिए, जानिए. अगर जवाब देने की ज़रूरत है तो जवाब दीजिए, नहीं है तो आप अपना कार्य करिए, उसको छोड़ दीजिए. हमारा कार्य है बताना. आप पहले खुद अनुभव करिए, फिर दूसरों को समझाइए. एक बार समझाइए, 2 times. अगर आपको लगता है अभी उनका वो समय नहीं आया है तो आपने बीज डाल दिया. अंधेरे में ही बीज पनपता है, तो कुछ समय लगेगा. धीरे धीरे जब उनका वो समय आएगा तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पास है, तो किसी ना किसी के पास ध्यान के लिए पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे. जब डिसाइडेड होगा. जी मैम, अभी 16-20 अक्टूबर तक महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो आपसे पहले भी बात की थी हमने इस पर, तो मैं चाहूँगी लेकिन दर्शकों को आप दोबारा बताएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो नए जुड़ते हैं, जिनको नहीं पता है कि इस इवेंट में क्या क्या स्पेशल होने वाला है और कैसे उनके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा. तो मैम, मैं चाहूँगी दर्शकों को आप बताएं कि महायोग ध्यान कुंभ में उन्हें क्यों आना है और क्या क्या लाभ उन्हें प्राप्त होगा. बिल्कुल, 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर ये एक ऐसा समय है जब आप ऊर्जा को भरपूर रूप से पा सकते हैं. ऋषिकेश में गंगा के किनारे हर रोज़ 3 घंटे ध्यान, सुबह शाम ध्यान का होना, सुबह 5 से 8 तक संगीत के साथ ध्यान. सोचिए कितनी ऊर्जा को हम एक ही साथ अनुभव करेंगे. इसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं आध्यात्मिक, जिसमें आप जानेंगे अपने बारे में कि क्या किसी का अनुभव क्या होता है, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं. आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान क्या होता है, जब आप इसको अनुभव वहाँ पर बहुत खूबसूरती से करेंगे, बहुत जानेंगे, तो इसको अनुभव करने के लिए आप जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करिए mydkindia.org पर. 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यहाँ आइए. यहाँ बच्चों के लिए भी अब की बार कार्यक्रम रखा गया है. यहाँ छोटे बच्चों से लेके 18 साल के, यानी कि 5 साल के बच्चों से लेके 18 साल के बच्चे, यहाँ पर अलग अलग तरीके की वर्कशॉप्स, क्रिएटिव वर्कशॉप्स, जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को निकाल कर, अपने आप को समझ कर, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो जो वर्कशॉप्स होंगी वो आपको समझाएंगी कि कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपका कैलिबर क्या है, अध्यात्म क्या है. जिसके नाम से कई बार बच्चे भागते हैं वो उसके और क्लोज जाएंगे, उसको समझेंगे और उसको अनुभव करेंगे. तो MYDK ज़रूर आइए, ऋषिकेश में आकर आप अनुभव कीजिए अपना. 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द ही हमारी वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए और वहाँ आकर अनुभव कीजिए ध्यान का और उस ऊर्जा का.
जी, तो दर्शकों मैम ने यहाँ पे आपको बताया वेबसाइट हमारी mydkindia.org, यहाँ पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको व्हाट्सएप से जोड़ा जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगी। तो आज ही mydkindia.org पे अपना रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कुंभ, आपने सुना ही होगा कि कुंभ में बहुत सारे साधक भारत के कोने कोने से आते हैं, तो ये महायोग ध्यान कुंभ है। यहाँ पर बहुत सारे ध्यानी आएंगे, बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स आएंगे, आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, उनकी जो उनके सानिध्य में आपको ध्यान करने के लिए प्राप्त होगा, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप ज़रूर आइएगा। 16 से 20 अक्टूबर शरद पूर्णिमा भी इस दौरान पड़ेगी, फुल मून का भी बहुत विशेष महत्व होता है। आगे हम इसमें जानेंगे इस कार्यक्रम में कि फुल मून में ध्यान क्यों करना होता है, लेकिन आपको फिर से बता रही हूँ mydkindia.org अभी जाइए और अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। जी, तो मैम फुल मून की मैंने बात की है, तो मैं चाहूँगी आप बताएं दर्शकों को कि फुल मून पे मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि मून का और अर्थ का एक रिलेशन है ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो रिलेशन है कि जब मून की ग्रेविटेशन है, जब यहाँ पर होती है, यहाँ पे वाटर को अट्रैक्ट करती है, तो हमें टाइड्स मिलते हैं। हमारा शरीर भी 70-75% वाटर से कंटेंट है। जब हमारे शरीर में, तो जब हम ध्यान, इस समय हम ध्यान करते हैं, तो जो मून की एनर्जी है उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो हमें भरपूर मात्रा में जो है कॉस्मिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये सिर्फ सिंपल ध्यान नहीं, जब हम फुल मून पे करते हैं तो हमारा ये ऊर्जा हमें 3 गुना ज़्यादा मिलती है। तो आपको जब 3 गुना ज़्यादा मिलेगी तो आपका अनुभव भी 3 गुना बढ़ जाएगा उस समय। तो जब आप वहाँ पर आएंगे और फुल मून को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 गुना जब हमें ऊर्जा बढ़ती है तो हमें किस तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में हो रही घटनाओं के हमें कारण मिलते हैं, समझ में आता है कि उसके पीछे का कारण क्या है। अगर हमें अपने जीवन में हो रही घटनाओं के कारण को जानना है, तो हमें हर फुल मून पर ध्यान ज़रूर करना चाहिए। सारी रात्रि अगर आप ध्यान कर सकते हैं बहुत अच्छा है, वरना जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे 3 दिन लगातार, फुल मून से 1 दिन पहले, फुल मून वाले दिन और उसके अगले दिन, अगर ये 3 दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, तो अगर आप ये 3-5 दिन लगातार ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाई, आपके आने वाले चैलेंजेस, चाहे वो शरीर से हो, रिश्ते से हो, किसी भी तरीके के हो, तो आपको उसके कारण समझ में आना शुरू होता है। तो इसलिए फुल मून मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम, पत्री सर ने हमें ध्यान के साथ साथ पिरामिड भी दिया, ध्यान की ऊर्जा को तो पहचाने ही, साथ में सर ने पिरामिड के पीछे का विज्ञान भी समझा और सबको दिया। तो मैम, जब महायोग ध्यान कुंभ में जाएंगे तो वहाँ भी हम पिरामिड कैप लगा के ही ध्यान करेंगे, तो पिरामिड का इम्पोर्टेंस मैं चाहूँगी मैम आप बताएं। बिल्कुल, देखिए पिरामिड्स क्या हैं, हम समझते हैं, हमने बहुत बार, हमने वास्तु में भी देखा है, इस पिरामिड का एक एंगल है। अगर आप उस एंगल के पिरामिड को में बैठकर या उस कैप्स को लगा के करते हैं, तो आपको 3 टाइम, जैसे फुल मून में 3 टाइम्स एनर्जी आपको मिलती है, वैसे ही पिरामिड से भी आपको 3 टाइम एनर्जी मिलती है। पिरामिड को आप तोड़ कर देखिए, पेरा और मिड, पेरा मींस फायर और मिड मींस सेंटर, यानी कि जो आपका पिरामिड है, पिरामिड का जो ऊपर का सेंटर है, वहाँ पर फायर क्या है, आग से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर ऊर्जा का केंद्र, यानी कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस एक केंद्र पे आके टिकती है। और जब आप उसको, उसके नीचे या उस कैप को लगाकर आप ध्यान करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना, यानी कि 3 गुना बढ़ के आपके भीतर आती है। और जब 3 गुना भीतर आपके अंदर ऊर्जा आती है, तो उस जगह पर आपकी हीलिंग ज़्यादा होती है। अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में, यानी कि अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, तो अगर आप आई पिरामिड लगाते हैं, आपको नी में प्रॉब्लम है, आप नी पिरामिड लगाते हैं, बैक में प्रॉब्लम है, बैक पिरामिड लगाते हैं, अलग अलग तरीके के पिरामिड्स आते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जब आप उनको लेते हैं और उन्हें लगाते हैं, तो जैसे हम 40 दिन का नियम बांधते हैं, आप उस 40 दिन के नियम के साथ उस पिरामिड को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे धीरे 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 करके अपने आप आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस जगह पर 3 गुना ज़्यादा कार्य करना शुरू करेगी। जी, तो दर्शकों मैम ने यहाँ पे अभी पिरामिड्स के महत्व के बारे में आपको बताया, तो यदि आप भी पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट
urjafy.com पे जाएं। मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि पिरामिड हेड कैप यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो urjafy.com पे पिरामिड हेड कैप भी अवेलेबल है। साथ ही यदि आपकी बॉडी में कहीं पर पेन है, आपको बॉडी में कहीं पर हीलिंग करनी है, तो आप वहाँ पे भी पिरामिड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जब urjafy.com पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे नी पिरामिड, आई पिरामिड, बहुत सारे अलग अलग पिरामिड्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको देखना है कि आपको किस पिरामिड की आवश्यकता है, urjafy.com पे जाएं और आज ही पिरामिड्स अपने लिए ऑर्डर करें। और साथ ही यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड में जाके ध्यान करना चाहते हैं और अभी तक आपको नहीं पता है कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कोई ध्यान केंद्र अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए भी हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाएं। वहाँ पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का एक सेक्शन अवेलेबल है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कौन कौन से पिरामिड सेंटर अवेलेबल हैं। वहाँ पे नंबर्स भी मौजूद है, अगर आपको नहीं जानकारी प्राप्त हो पा रही तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। जी मैम, तो अगला सवाल जान लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है, मेडिटेशन में नींद बहुत आती है, सर आगे की ओर झुक जाता है और हैवी सा फील होने लगता है सर में। ये ऊर्जा जब हमें मिलती है तो ये उसका एक अनुभव है। हमें कभी जब हमें ऊर्जा मिलती है तो हमारा शरीर एकदम हल्का महसूस होता है। पत्री सर ने बताया है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा हमारे जब भीतर आती है तो कई प्रकार के, 7 प्रकार के हमें अनुभव होते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे शरीर का हल्का हो जाना एकदम, दूसरा हमारे सर का भारी होना, सर का भारी होना, या हमें नींद आना, हमारा सर आगे की तरफ झुकना या साइड की तरफ झुकना। उसका कारण क्या है कि जब हमें ऊर्जा मिलती है तो हमारे अंदर एक भारीपन आता है, तो जब चीज़ भारी होती है तो वो नीचे की तरफ झुकने लगती है। तो आपके सर में जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है तो वो आगे की तरफ झुकने लगता है। या आपको नींद इसलिए आती है क्योंकि आप कभी भी बिना विचारों के रहित आपने निद्रा ली ही नहीं होती, आपने उस नींद को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने थॉट्स को, अपने विचारों को नियंत्रण करना, उससे दूर रहना आप सीखते हैं, तो आप इतने काम डाउन हो जाते हैं, इतने शांत हो जाते हैं, तो आपको नींद का एहसास होता है और वो निद्रा सबसे खूबसूरत निद्रा होती है। क्योंकि जब आप उसके बाद उठते हैं तो आपको थोड़ी देर तो हो सकता है कभी कभी लगते हैं कि बॉडी हैवी हो रही है, मुझे नींद ही आ रही है, लेकिन आप थोड़े समय बाद देखेंगे आप पूरे एक्टिव होंगे और जितने एक्टिव आप पहले थे उससे कहीं ज़्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपके काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये एक अनुभव है। इसमें जो अलग अलग जो अनुभव हमें जीवन में आते हैं कि हमें हमारे आज्ञा चक्र पर पेड़ पौधे का दिखना, चिड़ियों की आवाज़ सुननी, ये सारे अनुभव, या हमें कोई खुशबू का एहसास होना अपने आसपास, कुछ नहीं है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इत्र हमारे आसपास हो या कोई पौधा हमारे पास हो, बहुत अच्छी महक आ रही हो, तो ये सब क्या है? ये ध्यान के अनुभव है। जब हमारे शरीर में यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू एक, जब हम ध्यान करते हैं तो हम उसमें से कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लेते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर जाती है तो ये सारे अनुभव हमें होने बहुत स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं सीधा, और यूनिवर्स में हर चीज़ प्योर है, तो हमें वो प्योरिटी में हर चीज़ मिलती है। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपको बस एक फ़ोन कॉल करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, अध्यात्म के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो भी इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल तो आपको ही करना होगा, फ़ोन आपको मिलाना होगा। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बार बार बता रही हूँ, बिना देर किए कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना मैम। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, मैं जब ध्यान करती हूँ ज़्यादा तो मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं और वो सपने सच भी होते हैं, जिस वजह से मैं ध्यान नहीं कर पाती सही से, तो कृपया मार्गदर्शन करें। यहाँ पे इन्हें एक बुक पढ़नी पड़ेगी, यू फॉर एवर। जब ये बुक पढ़ेंगे तो इन्हें समझ में आएगा कि जो इनका एक्सपीरियंस है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है। कभी कभी हमें ध्यान करते समय अनुभव होते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्ड आई एक्सपीरियंस हो रहा है। ध्यान करने से हमें ड्रीम्स हो सकता है पहले भी आते हों, लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो ध्यान करते समय से क्या होता है कि हमारे ड्रीम्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है। वो आपको कुछ मैसेज देने आते हैं, उससे हमें डरना नहीं है, हमें उन मैसेजेस को समझना ज़रूरी है, वो आपको किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो आप ये बुक पढ़िए,
आपको चीज़ों की क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी जितनी क्लैरिटी बढ़ेगी तो आपका डर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान मत छोड़िए, आप ध्यान निरंतर करते रहिए और साथ में स्वाध्याय शुरू करिए। जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी एक पावर है, जिस पावर को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, वो उसका सही रूप क्या है, ये ऊर्जा कैसी होती है, ये सारा ज्ञान आपको उस बुक से मिलेगा। जी मैम, जो यू फॉर एवर की आपने बात की, पत्री सर ने भी शायद इसी सबसे पहली बुक सर की वही यही थी जिससे सर को आत्मज्ञान का अनुभव हुआ और सर ने अपने ध्यान की खोज शुरू करी थी। जी तो ये बुक लोपसंग रामपा की है और इस बुक से आपको स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक उसमें कैसे प्रगति और कैसे कैसे अनुभव होते हैं और वो अनुभव हम कैसे और अच्छे से ले सकते हैं आपको समझ में आता है। क्योंकि हमें जब ज्ञान नहीं होता, क्यों स्वाध्याय को ध्यान से हम जोड़ते हैं, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है तो हमें डर लगने लगता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय से, जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी हैं वो जब बुक्स लिखते हैं तो हमें उनके अनुभव से समझ में आता है कि अच्छा ये होना स्वाभाविक है, ये ऐसा होता है। और ऐसा हो तो अगर हम नहीं डरेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम डर जाते तो क्या होता है, हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जब हमारा डर ख़त्म होता है तो क्या है, हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं डर के आगे जीत है, तो ये डर के आगे की जीत हमें दिलाने वाली हमारी किताबें हैं। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय ही वो चाबी है उस ताले की, उस डर के ताले की चाबी स्वाध्याय है। जब आप वो स्वाध्याय करेंगे तो आप उस जीत को हासिल कर सकते हैं जिस जीत को आपका डर रोक रहा है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से। पूछिए अपना सवाल। मैं ध्यान मोस्टली करता तो हूँ डेली, बट मेरा ध्यान लग नहीं पाता, मतलब बीच बीच में आँख खुल जाती है और होश वगैरह आने लग जाते हैं। जी कैसे रिजॉल्व करूँ? डेली ध्यान करते हैं आप? मोस्टली जी। सर आपको ध्यान डेली करना पड़ेगा, 40 दिन आप लगातार ध्यान करिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी बार बार आँख खुल जाती है, आपका मन विचलित हो जाता है, तो आप पहले ये देखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी देर की है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, जिसमें आपका एक बार भी आँख नहीं खुली या आपका मन नहीं करा उठ के आने का। तो पहले आप उतनी देर की प्रैक्टिस शुरू करिए, यानी कि अगर आपके 15 मिनट हैं तो लगातार 15-15 मिनट करके आप ध्यान करिए। अगर आपकी आधे घंटे की कंसिस्टेंसी है तो आधे आधे घंटे ध्यान करिए। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट किया आपने, फिर देर में 15 मिनट किया या आधा घंटा किया, फिर आपने दोबारा किया। इससे क्या है, जो आपकी आँख खुलने की है या मन का विचलित होना है, क्योंकि उसको आदत नहीं है आँखें बंद करने की, तो आपको पता चलेगा कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो विचलित मन है वो शांत होने लगेगा और ध्यान आप बहुत अच्छे से निरंतर करते रहेंगे। तो ये मोस्टली नहीं, कोई हम अपने जीवन के कुछ दिनचर्या ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जो हम डेली करते ही हैं, तो इसे आप उसका डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। सबसे ज़रूरी डेली रूटीन का अगर आप इसे पार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका मन विचलित होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा ध्यान में। जो आप करना चाहते हैं वो आप चीज़ बहुत ईजीली अचीव कर पाएंगे सर। जी तो राहुल जी, जैसे कि मैम ने बताया कि आपको निरंतर ध्यान करना होगा, मोस्टली नहीं, आपको डेली ध्यान करना होगा। और अगर ज़्यादा देर के लिए आप ध्यान नहीं कर पाते तो आप ध्यान के समय को डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग में 15 मिनट्स कर लिया, इवनिंग में 15 मिनट्स कर लिया, इस तरह से आप ध्यान को कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप ध्यान करने लगेंगे, धीरे धीरे अवधि को बढ़ाएंगे, तो आपका ध्यान भी अच्छे से लगने लगेगा। और आपके जीवन में अगर आपको कुछ चाहिए, आप स्वयं को जानना चाहते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ को जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका सवाल है, मुझे मेडिटेशन करते बहुत इरिटेशनल सा डर लगता है कि जैसे कुछ हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? ये स्वाभाविक है, ये हो जाता है, क्योंकि हमें जो अनुभव हो रहे होते हैं हमने अपने जीवन में कभी किए नहीं होते। हम जब आँखें बंद करते हैं तो हम अक्सर, हमें मालूम है आँखें बंद करना है 2 मिनट के लिए किया, अगर रेस्ट के लिए कर रहे हैं, या फिर हमने एक नैप ली या हम सो गए रात को, तो उसी के लिए हम आंखें बंद करते हैं। लेकिन जागरूक अवस्था में आंखों को इतनी देर बंद करना हमें थोड़ा विचलित करता है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस बचपन से नहीं करी होती,
हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत सारे अनुभव, तो वो हमारे अंदर एक स्टोर करते हैं, स्टोरेज हाउस हमने बना रखा होता है जिसमें हर चीज़ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं। तो उस चीज़ को से बाहर आना है तो हमें ध्यान करना होता है, और इस ध्यान के समय आपको जो इरेशनल सा डर लगता है, वो इरेशनल डर आपका बहुत आसानी से हट सकता है। फिर कहेंगे आपको किताबें पढ़नी होंगी, आप किताबें पढ़िए अलग अलग तरीके की। जब आप उस किताबों को पढ़ेंगे, जैसे तुलसी दल है पत्री सर की, और वो बुक पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। यू कैन हील योर लाइफ है, आप वाक क्षेत्र है, संकल्प शक्ति है, कि कैसे आप अपने आप से संकल्प कर सकते हैं कि मुझे ध्यान करना है 40 दिन, और कुछ भी हो जाए, कैसा भी फीलिंग आए, उस फीलिंग को आने दें। लेकिन आप उसका, आपने अगर नियम लिया है कि मुझे 1 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटे निरंतर ध्यान करना है, तो मुझे कुछ भी हो जाए मैं आंखें नहीं खोलूँगी। जब अपने आप से आप संकल्प लेंगे, अपने आप से एक जिद करेंगे, और आपको मालूम है, उस पर भरोसा रखेंगे कि अगर मैंने ये संकल्प लिया है तो मुझे जो हासिल करना है, जो अनुभव करना है, मैं उसे अनुभव करके ही रहूँगी, तो देखिए आप अनुभव करके रहेंगे। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, मेरे दिन पर दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ पर झगड़ना, ध्यान करने बैठो तो ध्यान गलत दिशा में जाना, नेगेटिव बातें आना, और इस कारण मेरा काम में भी मन नहीं लगता। मैं ध्यान करने बैठती हूँ डेली पर नहीं कर पा रही, पहले पूजा पाठ भी करती थी, अब वो भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन्हें ध्यान की। और जो इन्हें हो रहा है वो मन का विचलित इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको आपका रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो ये जितना ज़्यादा दूसरों के अनुभवों को सुनिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के चमत्कार हैं, आत्मा की यात्रा, जब आप वो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ध्यान जीवन में कितना अनिवार्य है, उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। तो आपका मन लगेगा, आपका मन करेगा ध्यान करने का, और आप जब ध्यान कर लेंगे तो आप शांत भी होना सीखेंगे। आप ध्यान करके कम से कम अपनी 50-60% जो आपका जो क्रोध होता है, उस ऊर्जा को आप सेटल कर सकते हैं। उसके बाद जो 50% और 40% हमारी क्रोध करने का स्थिति होती है, वो कैसे शांत होती है? वो होती है ज्ञान से। जब आपको ज्ञान मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे इसे मैनेज करना है, इसे कैसे चैनलाइज करना है। तो पहले आपको ज़रूरी है ध्यान को करना। आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कैसे एनर्जी जो है, आपके एंगर की वजह से वो डिप्लीट हो रही है। आप इसे बहुत आसानी से अपने इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारी, जब भी हम क्रोध करते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम नीचे डिप्लीट होती है। तो आपको जितना, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, तो आप अपनी ब्रीथिंग, खुली आंखों से अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो एंगर इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे सेटल होने भी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू मैम। जी मैम, जैसे अभी आपने बोला कि स्वाध्याय भी करना ज़रूरी है, तो मुझे पत्री सर का वो प्रिंसिपल याद आया कि पत्री सर ने भी बोला है स्वाध्याय करना, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बोला है कि हमें हर मास्टर को सुनना चाहिए, हर मास्टर की बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप यू फॉरएवर, तो आपने बताया कि 1-2 बुक्स आप अगर और रिकमेंड करें हमारे दर्शकों को। सर की, जैसे पत्री सर की हमारी तुलसी दल है, वाक क्षेत्र है, संकल्प शक्ति है, कलश, अमृत कलश है, ये तो पत्री सर की लिखी हुई है। इवन भगवत गीता भी सर ने लिखी है। उसके अलावा जो सर ने और बुक्स भी बताई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, 1 लाख से भी ऊपर सर ने बुक्स पढ़ी हैं। माइंड टू मैटर हो गया, थिंकिंग एंड डेस्टिनी हो गई, या 1000 सीड्स ऑफ जॉय, रुक्मणी, बहुत सारी बुक्स हैं जो सर कहते हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। क्यों हमें दूसरे मास्टर्स को? अगर हम एक पर्टिकुलर उसमें रहते हैं तो आपका ज्ञान सीमित हो जाता है। ज्ञान को सीमित नहीं है, ज्ञान को हमेशा असीमित है। तो आप सबके सब चीज़ों को आप पढ़िए, समझिए, जो चीज़ आपको एप्रोप्रिएट लगती है वो अपने आप, आपका मन उसे अपनाने को करेगा, और आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे जो हमारे लिए होगी, हम उसे अपने आप ग्रास्प करेंगे। एक ही किताब आप पढ़ रहे हैं, एक ही किताब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन उन दोनों को समझने का तरीका हम दोनों का अलग अलग, क्योंकि वो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप उसको पिक कर पाएंगे, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस। इसीलिए सर ने कहा आप ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए और सज्जन सांगत्य। आपने एक ही बुक आपने पढ़ी, एक ही बुक मैंने, आपने भी यू कैन हील पढ़ी, मैंने भी यू कैन हील पढ़ी, हम दोनों ने पढ़ी, हम दोनों ने अपने अपने तरीके से उस बुक को कुछ कुछ हद तक समझा, कुछ सिमिलैरिटी में, कुछ अलग ग्रास्पिंग ली। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो
कुछ इनपुट्स आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुछ इनपुट्स मुझे मिलेंगे, शायद मैंने वो पर्सपेक्टिव पे नहीं देखा, क्योंकि वो आपके अनुभव के द्वारा आपने उसको ग्रैप्स किया, मैंने अपने अनुभव के अलावा उसको ग्रैप्स किया। इसलिए सज्जन सांगत्य होना भी बहुत ज़रूरी है जी मैम। ध्यान करते रहे, स्वाध्याय करते रहे और सज्जन सांगत्य करते रहे जी मैम। कार्यक्रम में आए इतनी सारी जानकारी दी, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, जो कॉल नहीं कर पाए, वो अगले हफ्ते हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।